जेडीयू के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का पता कटा, खीरू महतो जाएंगे राज्यसभा। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज नाइन। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का टिकट कट गया है। जदयू ने तीसरी बार राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया है। केंद्र सरकार में शामिल जदयू कोटे के इकलौते मंत्री आरसीपी सिंह के बदले पार्टी ने झारखंड के जदयू अध्यक्ष खीरू महतो को पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा उम्मीदवार चयन करने को लेकर पार्टी ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया था। सीएम के निर्देश पर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने खीरू महतो को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने का औपचारिक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड जदयू अध्यक्ष व पूर्व विधायक खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाता है। आरसीपी सिंह के बदले खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि यह निर्णय दल के नेता सीएम नीतीश कुमार ने लिया है। पार्टी का निर्णय सबों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने से नाराजगी के सवाल को ललन सिंह ने सिरे से खारिज किया। कहा कि हम सब कभी नाराज नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह जदयू के प्रतिनिधि थे। आरसीपी सिंह के राज्यसभा नहीं जाने पर जदयू की भागीदारी केंद्रीय मंत्री परिषद में नहीं होने के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि मंत्री परिषद में कौन मंत्री रहेगा या नहीं, उसका निर्णय प्रधानमंत्री को करना है। जहां तक जदयू का सवाल है, पार्टी नेता इस पर निर्णय लेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी के एकमात्र नेता नीतीश कुमार हैं और उन्होंने यह फैसला लिया है। पार्टी का कोई फैसला हुआ है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। बाकी हो रही तमाम बातों पर ऐसे ही चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो ये साफ हो गया है कि जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया है। अब वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, उनके जगह पर खीरू महतो जो कि झारखंड के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता भी रहे हुए हैं, तो अब इनको भेजा जा रहा है राज्यसभा। ये अब बिहार की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल होने की घटना भी है, क्योंकि आरसीपी सिंह जिस तरह से एक अलग गुट बनाने की फिराक में है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री रहते हुए बीजेपी के तरफ झुकाव उनका काफ़ी रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में और क्या गुल खेलने वाला है राजनीति में।